एग्जिबिशन के दो तीन मकासद हैं हमारे लिए। एक तो खैर ये पर्सनल आर्काइव्स हैं कश्मीर के आखिरी फारसी शायर की, जिसका नाम मोहम्मद अमीन दाराब था। ये 1880 में पैदा हुए, 1890 में इसी में ही 1980 के करीब इनकी वफ़ात हुई। कश्मीर में फारसी ज़बान जो है 500 साल तक हमारी सरकारी ज़बान रही। सरकारी ज़बान के साथ साथ ही हमारी ट्रेड कॉमर्स की भी ज़बान रही, कॉरस्पॉन्डेंस उसी में है। उसके बाद हमारे फेथ की भी ज़बान रही है और इसमें ख़तात बहुत पैदा हुए। ख़ताती जो है ये एक फ़ाइन आर्ट है जिसमें हिंदू ख़तात भी शामिल थे, कश्मीरी मुसलमान ख़तात भी शामिल थे। ख़तात के अलावा तारीख़ें जो लिखी गई है, हरगोबा शेफ्ता ने लिखी, बाकी लोगों ने लिखी, मुसलमानों ने, पंडितों ने फारसी ज़बान को बढ़ावा देने में हम बहुत काम किया। बट ज़माना आगे बढ़ता रहा, ज़बान पीछे चली गई, मगर हमारा जो तहज़ीबी सरमाया है कश्मीर का वो इस ज़बान में है, वो इस मैनस्क्रिप्ट में है, वो उस पर्शिनेट कल्चर में है। जो छोटी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर ने नोट नहीं की है लेकिन ये कागज़ों में है, तो ये हम देख सकते हैं कि ये निकाहनामा हो या फिर इवन नील आर्मस्ट्रॉन्ग से बातें हो या दीवाने साहेब हो, हम देख सकते हैं कि हमारा कल्चर का क्या वैल्यू था जो कि हम, येस ऑफ कोर्स द यंग जनरेशन इज़ फॉरगेटिंग, वो हम भूल रहे हैं, लेकिन ये आई थिंक हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि ये हम प्रिजर्व करें, क्योंकि हमें इसे फर्स्ट ऑफ ऑल सीखने को बहुत कुछ मिलता है। वी कैन सी कि उस ज़माने में भी लोग कितने इंटेलेक्चुअल थे, वो क्या बातें थी, कैसी छोटी बड़ी चीज़ें को प्रिजर्व किया जाता था, क्या कम्युनिकेशन होता था, एंड उसका आज भी हम पे इम्पैक्ट है। हमारी नई जनरेशन है उसको उन फारसी में दिलचस्पी पैदा हो और अपने शानदार माजी के साथ उनका एक रब्त पैदा हो, उसके लिए बहुत अहम है कि आप ऐसे एग्जिबिशंस का इनेकाद करें ताकि उनको ये मालूम हो कि ये नहीं है कि सिर्फ फारसी ने, ये ईरान ने बड़े बड़े शुरा पैदा किए हैं, बल्कि हमारे कश्मीर में ख़ुद यहाँ पे बहुत बड़े शायर पैदा हुए हैं